साथियों, सक्सेस क्लब में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हमें देखना है टेंस मैथ्स का एनसीईआरटी में प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हमने कल करके देखा था, आज हम उसको सिस्टमेटिक रूप से देखेंगे, ठीक है। उसमें फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ तक सॉल्व करा दिया था। उसको थ्योरी रूप में कैसे देखना है, देखो। क्योंकि 225 बड़ा है 135 से, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 225 और 135 में करने पर, यानी कि इन दो संख्याओं को लेंगे और इनमें क्या लगा देंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमने कल सॉल्व करा दिया था, ये कहाँ से आया था, ठीक है। ये क्या है हमारा भाज्य, ये भाजक, ठीक है, और ये भागफल, और ये क्या है हमारा लास्ट में शेषफल। और हमें इसे तब तक सॉल्व करना है जब तक कि शेषफल हमारा क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए, ठीक है। अभी यहाँ पे ये शेषफल 90 है, ये जीरो नहीं आया है। उसके बाद हम एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर से ये क्या बन गया हमारा भाज्य, ये भाजक है, ये हमारा क्या है भागफल, और ये क्या है हमारा शेषफल 45, ठीक है। अभी भी ये जीरो नहीं आया है, तो हमें फिर से सॉल्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे लाइन, हमारे पास एक नया भाजक क्या आ गया 90 और शेष 45 क्या है जीरो, शेषफल क्या है हमारा 45। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इसमें करने पर, यानी कि फिर से हम इसमें क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब हमारा क्या आ गया शेषफल, यहाँ पे क्या आ गया जीरो, ये क्या आ गया हमारा शेषफल जीरो, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, क्योंकि शेष शून्य है, शेष यानी कि शेषफल, शेष से मतलब यहाँ पे शेषफल, शेष शून्य है, इस प्रक्रिया को यही रोक देते हैं, यानी कि इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। जहां हमारा जीरो आ जाए उसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट का भागफल होगा, ठीक है, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है, यानी कि जो भाज्य के रूप में आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये 45 क्या हो गया इसका एलसीएम, ये हमारा फर्स्ट हो गया क्वेश्चन। अब हमें देखना है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में भी वही दिया है क्या 196 और 38220 को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सॉल्व, ठीक है, ठीक है। तो इसके आगे हम वही थ्योरेटिकल रूप में हमें देखना है इसमें क्या लिखा है, क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसको हम पहले लिखते हैं और फिर छोटी संख्या बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो हमने बड़ी संख्या लिख दी पहले, फिर क्या लिखा ग्रेटर देन 196, यानी कि ये संख्या 196 से कैसी है बड़ी, तो फिर उसमें क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि इन दो संख्या में फिर से हमें क्या लगानी है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब जो बड़ी संख्या होती है वो हमारी भाज्य हो जाती है, जिससे हम भाग देते हैं वो हमारा क्या हो जाता है भाजक, और जिसको सॉल्व करने पर जो आंसर आता है वो हमारा क्या है भागफल, ठीक है, और जो बचता है वो क्या है हमारा शेषफल। इसमें तो एक ही बार में ही जीरो आ गया, ठीक है, तो इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, और हमारा जो भागफल आएगा ये वो क्या कहलाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है 867 और 255। इसमें भी सेम कंडीशन लगानी है, सबसे पहले बड़ी संख्या देखनी है कौन सी है, फिर उसके बाद देखनी है छोटी संख्या, और हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या दे देना है भाग, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम डिवाइड कर दी जाएंगे जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में भी हमारा जीरो नहीं आया है, फिर से एक स्टेप हमने क्या किया उसे सॉल्व, तब शेषफल हमारा कितना आया है 51, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक स्टेप और सॉल्व किया, ठीक है, यानी कि जब तक सॉल्व करना है जब तक जीरो ना आ जाए। अब एक स्टेप सॉल्व करने के बाद क्या आ गया हमारा आंसर जीरो आ गया, ठीक है। अब जीरो आ गया तो इसका जो भाजक होगा वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसका ये जो 51 है भाजक वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम कहा देंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है।